सहरसा पुलिस अपराध पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगे हैं। इस क्रम में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना के रिफ्यूजी कॉलोनी के लक्ष्मी नगर मोहल्ले में छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी तनोज यादव को धर दबोचा। घर से दर्जनों अवैध हथियार, 64 जिंदा कारतूस और फोर व्हीलर भी बरामद हुई। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी सदर थाना के अंतर्गत रिफ्यूजी कॉलोनी एक जगह, वहाँ पर सनोज यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके घर में कुछ अवैध हथियार हैं। इस इनपुट के आधार पर सदर SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें सदर थाना अध्यक्ष एवं उनकी टीम, इसके अलावा बैजनाथपुर OP अध्यक्ष भी थे। इन लोगों के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 8 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। 66 राउंड गोलियाँ बरामद हुई हैं। इसके अलावा 2 टू व्हीलर बरामद हुए हैं, 1 फोर व्हीलर भी बरामद हुआ है। इसके पूर्व में भी सनोज यादव गिरफ्तार होकर सदर थाना से ही जेल जा चुके हैं। इनका अभी तक 5 जो पहले के कांड हैं उनमें संलिप्तता रही। हम लोग जो भी कांड इनके शेष रह गए उसमें इनको रिमांड देते हैं। कुख्यात अपराधी सहभू माफिया सनोज यादव कई संगीन मामलों में वांछित है। बावजूद इसके खुलेआम सदर थाना के नाक के तले घूमा करता था। साथ ही अपने निजी आवास में अवैध हथियार का जखीरा रखकर आए दिन जमीनी विवाद से जुड़े बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देता था। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि पुलिस अब तक कहां सो रही थी। बहरहाल अब कुख्यात अपराधी तनोज पुलिस की गिरफ्त में है। सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।